हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मूली का परांठा। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के अंदर मूली का जो परांठा है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन अक्सर हम बनाते इसलिए इन्हें अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि ये फट जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं अक्सर बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, एक ट्रिक के साथ जिससे मूली का परांठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूली का परांठा बनाना। तो उसके लिए मैंने ये आप देख रहे हैं मूली ले लिया है। मूली को हम पहले तो छील लेंगे, किसी पिलर के साथ छील के इसको अच्छे से धो के फिर इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट हम किसे करेंगे? ये जो हमारा ग्रेटर है, ये इससे हम इस साइड से ग्रेट करेंगे, इस साइड से, मोटे वाली साइड से। तो चलिए हम ये प्रोसेस पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मैंने मूली को कद्दूकस करके इसमें नमक लगा के रख दिया था। मतलब मैंने इसको हार्डली 10 मिनट रखा है नमक लगा के। इसमें होता क्या कि मूली के अंदर होता है पानी, तो हम अगर ऐसे भी रख दें तो मूली अपना पानी रिलीज कर देगी, हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम नमक लगा के रखते हैं ना, तो मूली का पूरा पानी इसके अंदर से निकल जाता है। तो इसको हम इस तरह से हाथ से स्क्वीज कर लेंगे। अगर आप हाथ से नहीं कर सकते, आप किसी कॉटन क्लॉथ में डाल लें और उसको अच्छे से स्क्वीज कर दें, तो आपका ये सारा पानी आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखो इसका कितना इसके अंदर से ये पानी जो है निकल रहा है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से इसके अंदर से सारा पानी पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये मूली जो है बिल्कुल सूखी रह गई है। तो अब भी अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमें मिलाना पड़ेगा, तो ये मूली फिर हल्का सा पानी छोड़ेगी। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, तो ये मेन ट्रिक है देखने वाली। ये मूली होगी, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। फ्रेंड, जो काली मिर्च होती है ये भी थोड़ा सा नमक को सोखती है। हल्की सी मिला दिया हमने काली मिर्च। इसके बाद इसके अंदर हल्की सी मिलाएंगे अजवाइन, क्योंकि डाइजेस्ट के लिए ठीक रहती है, मूली को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे आप पिंच इसके अंदर हींग डाल लें तो और भी अच्छी बात है, मूली का जो परांठा है वो बनेगा भी बहुत अच्छा। और ये मैंने इसके अंदर पिंच जो है हींग डाल दी है। अजवाइन भी होगी, काली मिर्च भी होगी। अब इसके अंदर जाएगा हल्का सा नमक, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी पहले डाला है ना, पानी निकल गया लेकिन नमक थोड़ा थोड़ा रहता है, तो मैंने ये हल्का सा नमक डाला है। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जाएगा हमारा कटी हुई हरी मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप डाल दें, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप तीखा कर सकते हैं। इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब फ्रेंड, इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बेसन। ये आप देखो, ये मैंने बेसन को हल्का सा भून लिया है, खाली ड्राई रोस्ट किया है, वो नहीं लिया, घी नहीं लिया, सिर्फ सूखा। ये थोड़ा डालेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट। अब जो मूली ये पानी जो हल्का हल्का छोड़ेगी ना, तो ये पानी जो है वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बेसन को पानी हल्का सा चाहिए होता है। तो जो पानी निकलेगा इसको बेसन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हम आटे के अंदर मूली को डालेंगे तो वो आटा जो है फटेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर का पानी जो है वो बेसन ने सोख कर लेना है। तो मेन कारण होता है फटने का पानी। अब देखो ये बिल्कुल सूखा है, अभी हल्का हल्का अगर ये पानी करेगी ना तो वो बेसन अपने अंदर वो कर लेगा। तो ये तो हो गया हमारा मेन तरीका इसको बचाने का। अब मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, दो तरीके देती हूँ। एक तो हम सिंपल बनाएंगे स्टफ करके, जैसे हम बनाते हैं ना आलू का परांठा, कोई भी परांठा वैसे ही बनाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, इसमें आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये डिब्बे में मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ था, ये पहले का आटा गूंथा हुआ, मैंने अब नहीं गूंथा, स्पेशल इसके लिए नहीं गूंथा। आपके पास कोई भी आटा पड़ा ना गेहूं का गूंथा हुआ, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये सूखा आटा ले लिया है, ये सूखा आटा, क्योंकि सूखा आटा हमें बहुत जरूरी है। तो इस आटे के अंदर से हम एक बनाएंगे लोई, जैसे हम आम परांठे की लोई बनाते हैं ना, ये एक हमने लोई तैयार कर ली है। इस लोई को हमने सूखे आटे में लपेटना है और इसको हल्के हाथों से साइड से ऐसे पतला करना है, सेंटर से ये थोड़ी सी मोटी ही रहेगी, इस तरह से, जैसे हम कोई भी स्टफ परांठा बनाते हैं। तो ये तरीका बहुत बेटर रहता है, क्योंकि इससे साइडें थोड़ी सी पतली हो जाती हैं, क्योंकि साइडें तो वैसे भी ऊपर कट्ठी हो जाएंगी ना, तो उस जगह मोटा बन जाएगा। तो सेंटर जब हमारा पतला रह जाता है तो अक्सर रोटी फटती है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेलते हैं, बीच में सामान डालते हैं, उसको गोल कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, रोटी फटती है। अब ये देखो, साइडें तो होगी हमारी बारीक और बीच में हमारा है थोड़ा सा मोटा। तो अब इसके अंदर हमने करनी है मूली स्टफ। ये देखिए, ये बीच में हमने रखी है मूली, बिल्कुल मूली हमारी सूखी है। क्यों सूखी है, क्योंकि इसका पानी जो है वो बेसन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह से साइडें फोल्ड करते हुए, अब ये देखिए जो पतली साइड है वो तो ऊपर आ गई है यहाँ पे, तो ये वैसे ही मोटी होगी, जगह नहीं फटेगी, ये जगह वैसे ही मोटी है तो नहीं फटेगी। तो अब हमने करना क्या है, इसको लपेटना है सूखे आटे के अंदर, थोड़ा सा सूखा आटा डालना है प्लेटफॉर्म के ऊपर,
इस तरह से, ये जरूर करें, ये ट्रिक जरूर करें। जब हम सूखा आटा प्लेटफॉर्म पे डालेंगे ना इस तरह, तो ये रोटी जो है हमारी नहीं फटेगी। थोड़ा सा हल्के हाथों से हमने रोटी को इस तरह से हाथ से ही दबा लेना है, इक्वल सा कर लेना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए हमने इस रोटी को बेल लेना है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मूली परांठा जो है वो कितना अच्छा बनेगा। अक्सर हमें शिकायत रहती है कि मूली परांठा सर्दी है, दिल भी है, लेकिन परांठा सारा फट जाता है, तो किया क्या जाए। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कारण। जब तक हमें कारण नहीं पता होता, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मूली परांठा बिल्कुल भी नहीं फटा, और थोड़ा सा इसको मोटा ही रखें, क्योंकि जो मोटा है ना तो अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा पतला ना करें। ये देखिए, मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दोनों तरफ से परांठा मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे। इसके ऊपर हल्का हल्का हम धनिया लगा लेते हैं, हल्का हल्का धनिया इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, थोड़ा सा आप इसको सुंदर सा बनाना चाहते हैं, परांठा है वैसे तो खाना है, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा, इसके ऊपर हम हल्की हल्की चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। डालने के बाद ना हल्का सा हम इसको इस तरह से बेलन से दबा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिर्फ डाला है हरा धनिया और चिली फ्लेक्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये हम आगे अपने तवे के पास। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगी, ऑर्ली मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बहुत से लोग दो पतली पतली रोटियां बनाते हैं, उसके बीच में मूली डाल देते हैं और दूसरी रोटी ऊपर रख देते हैं, यानी एक रोटी के ऊपर मूली डाल के दूसरी ऊपर रख दी, तो उस तरह से भी फटती नहीं है, क्योंकि उसमें फटने का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो टेस्टी नहीं लगती, मुझे ये स्टफ इस तरह से बनी हुई ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं घी में बना रही हूँ, देसी घी में। ये देखिए, तवा गर्म था, मैंने पहले रख दिया था, और मीडियम हाई कर दिया फ्लेम, और ये हमारा बहुत टेस्टी मूली का परांठा बनके तैयार होगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप देख रहे हैं कि मूली का परांठा बिल्कुल नहीं फटा। तो इस ट्रिक से बनाएंगे तो परांठा कभी भी नहीं फटेगा। आपको कारण पता चल गया कि परांठा क्यों फटता है, तो अब आपका परांठा फटेगा नहीं। तो बनाते हैं इसको, चलो। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से लगता है पक चुका है, क्योंकि मेरे को ऊपर से ये देखो कलर थोड़ा थोड़ा चेंज सा हो रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ घी लगा दूँ इस तरफ, उधर तो घी लगाया हुआ था ना तवे के ऊपर, तो यहाँ भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। मैं तो हाथ से ही इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए, अब उधर पकने दे। जैसे हम नॉर्मल परांठा बनाते हैं ना, जो भी तरीका है आपका परांठा बनाने का, हर एक अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं ऐसे बनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बहुत टेस्टी लगता है। मुझे किसी के हाथ का परांठा कभी अच्छा ही नहीं लगता। उसका कारण है, मैं इस तरह से स्टफ परांठा पसंद करती हूँ। देखिए जैसे हिलाते हुए, ये देखिए इधर से पक गया है थोड़ा। अब इसके ऊपर मैं अच्छे से घी लगाऊंगी एक बार दोबारा, ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको मैं एक बार फिर से पलट दूंगी ऐसे, और इस तरह से हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा पकाएंगे। ये फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसको ऐसे दबा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा सा बन जाएगा। फ्लेम मैंने फ्रेंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे ये बन गया होगा। वाओ, आप देख रहे हैं कितना अच्छा परांठा तैयार हुआ है बनके। अब इसके ऊपर हम करेंगे क्या, इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन यानी बटर। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है परांठे को। इसके ऊपर करेंगे बटर, अमूल का बटर यूज करती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है मूली परांठा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं ये परांठा फटा, बिल्कुल भी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत ही पसंद आएगी ये ट्रिक, बहुत अच्छा लगेगा ये परांठा। ये देखिए, वाओ है ना कितना अच्छा। इस तरह से हम मूली का परांठा जो है बना सकते हैं बिना कुछ किए, यानी बिना फटे, बहुत ही टेस्टी। सर्दी के अंदर आप एंजॉय कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप बना सकते हैं, यू कैन डू इट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी लगेगी, परांठा बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले और आप फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।